गाइस नितेश तिवारी ने फाइनली रामायण की शूटिंग शुरू कर दी है और शूटिंग शुरू होते ही लीक्स आने लगे हैं। सेट से कुछ BTS फोटोज सामने आई हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही हैं। एंड आई थिंक अभी तक आप सभी ने ये लीक्स फोटोज देख ली होंगी। अब टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन कर लेते हैं इन लीक्स यानी इन BTS फोटोज का, और जानने की कोशिश करते हैं कि नितेश तिवारी क्या नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस रामायण में, कहीं वो एक और आदि पुरुष तो नहीं बना रहे। तो चलो यार जल्दी से ब्रेक डाउन कर लेते हैं रामायण के इन BTS फोटोज का। तो सबसे पहले ये कास्टिंग देखो, ये कास्टिंग बाहर निकल कर आई है जो कि रामायण में कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि IMDb के अकॉर्डिंग 80-90% ये कास्टिंग ऑफिशियली कंफर्म है और इन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को हम लीक्ड फोटोज में देख भी सकते हैं। अब एक बार और देखो, ये कास्टिंग है रामायण मूवी की, जिसमें से रणवीर पर हमें पता है कि श्री राम बनने वाले हैं। एंड अगर इनकी बात करें तो इनकी कोई भी लीक्ड इमेज अभी तक सामने नहीं आई है, एंड उसका भी रीजन है जो कि आगे चलकर हम जानेंगे। यही सेकंड एक्टर है सनी देओल। अब यहाँ पर मेंशन है ये हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं, बट मेरा मानना ये है कि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो इनको अभी हम रिवर्स के अंडर ही रखते हैं, बिकॉज 17 अप्रैल को मूवी के मेकर्स हमारे लिए कुछ लाने वाले हैं। अब 17 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि उस दिन है रामनवमी, एंड मूवी के मेकर्स के लिए इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। तो इस दिन ये लोग अनाउंसमेंट कर सकते हैं या फिर छोटा मोटा पोस्टर रिलीज कर सकते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है रणबीर कपूर एज श्री राम और रियाज एज रावण, एंड हो सकता है बाकी के कैरेक्टर्स भी हमारे सामने रिवील किए जाएं। अब इस कास्टिंग में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लारा दत्ता का भी नाम है, जिनकी रिसेंटली रामायण के सेट से एक फोटो लीक हुई है। एंड इन्हीं के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर शिवा चड्डा भी हैं, जिन्हें हम इस कास्टिंग वाली लिस्ट में देख भी सकते हैं। अब ऐसा बोला जा रहा है कि लारा दत्ता एक्चुअली में प्ले कर रही हैं कैकई के रोल को, एंड यही शिवा चड्डा प्ले कर सकती हैं मंत्रा और शूर्पणखा को, हमारे यहाँ इन्हें शूर्पणखा भी बोलते हैं। एंड अगर इस BTS फोटो में हम थोड़ा भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर बस की एक नंबर प्लेट भी हम देख सकते हैं जिस पर MH लिखा हुआ है, मींस इसकी शूटिंग मुंबई महाराष्ट्र में कहीं हो रही है। अब सच बताऊं, इसकी एक बड़ी सी सेट की फोटो भी आई थी जो कि मैंने देख ली है, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता, हो सकता है मेरी वीडियो टेक डाउन कर दी जाए, सो इसलिए अभी इतना ही देखो, क्योंकि यार देखो यही फोटोज काफी हैं बहुत कुछ जानने के लिए। फिर नेक्स्ट, एंड फिर हम लोग देख सकते हैं इस फोटो को जिसमें अरुण गोवल जी को हम साफ साफ देख सकते हैं, एंड उनके गेटअप से लग रहा है ये दशरथ जी को प्ले कर रहे हैं। एंड जैसा कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज बाहर निकल कर आई थी कि 2 अप्रैल को नितेश तिवारी ने शूटिंग शुरू कर दी है चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ, यानी वो पोर्शन शूट कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री राम के बचपन के सीन्स होंगे। एंड यहाँ पर हम 2 बच्चों को भी देख सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली श्री राम और लक्ष्मण हो सकते हैं। एंड इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं वो प्रॉपर ओल्ड वाली रामायण की वाइब दे रहे हैं, मींस जो कोई भी जिस रोल में भी हमें यहाँ पर दिखने वाला है वो पूरी ऑथेंटिक वाइब देगा ओल्ड रामायण वाली। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि नितेश तिवारी फुल्ली फोकस्ड है इस रामायण को बनाने के लिए। एंड एक्चुअली में अगर ऐसा काम ओवरऑल ने किया होता तो आज आदि पुरुष कहां से कहां होती, एंड यहीं पर प्रभास को ट्रोल किया जा रहा था वो भी नहीं होता, बिकॉज सारी गलती ओम राउत की थी, प्रभास का इसमें कोई भी दोष नहीं था। अब देखो यार, बेसिकली ओम राउत की आदि पुरुष और नितेश तिवारी की ये वाली रामायण में अंतर यही होगा कि उसमें फुल्ली VFX का यूज किया गया था और यहाँ पर फुल्ली प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज किया जाएगा, जिसमें अंतर सिर्फ एक ही चीज का होगा VFX। अब यहाँ पर मैंने एक्टर्स का नाम क्यों नहीं लिया, बिकॉज प्रभास एस श्री राम परफेक्ट थे, बट उन्हें परफेक्ट बनाया नहीं गया। और यहाँ पर BFX का क्या कहें, यहाँ पर जमीन से पहुंचकर नहीं हो रहा था। अब थैंक गॉड ओम राउत ने आदि पुरुष जैसी एक मूवी बनाई और उसमें ऐसी मिस्टेक्स की जिसे नितेश तिवारी अपनी रामायण में तो रिपीट नहीं करेंगे। खैर इसको छोड़ो, रात की बात गई। यहीं पर अगर हम सेट्स को देखेंगे तो इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि नितेश तिवारी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ना कि आदि पुरुष जैसा फुल्ली VFX का। एंड कॉस्ट्यूम के साथ साथ यहाँ के सेट्स भी हमें ओल्ड वाइब दे रहे हैं। एंड सच बताऊं, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा भी था कि नितेश तिवारी इसे फुल्ली ओल्ड वाइब के साथ बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि रामाना सागर जी ने बनाई थी, वही इमोशंस एंड वैसे ही एक्टिंग। अब यहाँ पर अरुण गोविल जी तो श्री राम नहीं बन सकते, बट हाँ खुशी हो रही है कि उन्हें भी इस रामायण का हिस्सा बनाया गया है, तो नितेश सर गुड डिसीजन। अब इन BTS फोटोज में पता नहीं आप लोगों ने एक चीज पकड़ी है या फिर नहीं, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन्होंने वही सैंडल्स पहने हुए हैं जो कि ओम राउत ने प्रभास को और बाकी एक्टर्स को पहनाए थे, जिसे देखने के बाद काफी लोग बोल रहे थे कि ये लेदर के सैंडल्स हैं, एंड ओम राउत को इन्हें यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो यहाँ पर नितेश सर खड़ाऊ का यूज क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देखो पहले के टाइम खड़ाऊ ज्यादा यूज करते थे, एंड बेसिकली रामानंद सागर जी की रामायण में हमने खड़ाऊ ही देखे थे, ना कि कोई सैंडल्स वगैरह। तो प्लीज यार, अगर ये वीडियो मेरी कोई रामायण की टीम से देख रहा है तो इस चीज को ठीक कर लेना, बिकॉज
आगे चलकर मैटर हो सकता है फिर। वेल, बाकी इन्हीं फोटोज के साथ साथ हम नितेश तिवारी की भी एक फोटो देख सकते हैं जो कि फुली फोकस्ड इन डायरेक्शन में। वेल, अब हम इन लीक्ड फोटोज को देखने के बाद समझ सकते हैं कि शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है एंड कुछ ही दिनों में रणवीर सिंह नहीं बल्कि रणबीर कपूर एंड यश भी शूटिंग को ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज मूवी को रिलीज होना है 2025 में दिवाली के मौके पर। और हाँ, यहाँ पर तुम्हें एक और चीज बता दूँ, नितेश तिवारी की ये वाली रामायण एक ट्रिलॉजी होने वाली है जिसके फर्स्ट पार्ट में यश का लास्ट में जाकर एक छोटा सा सीन हमें देखने को मिलेगा जो कि सीता हरण का होगा एंड फिर थर्ड पार्ट में हमें एक प्रॉपर श्री राम और रावण का एक युद्ध देखने को मिलेगा। तो हाँ, यहाँ पर हमें इसके फर्स्ट पार्ट में सीता हरण तक की स्टोरी दिखाई जाएगी और बाकी की स्टोरी इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में। और हाँ, बाकी यार तुम्हारे माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि अगर श्री राम को रणबीर प्ले कर रहे हैं तो फिर लक्ष्मण को कौन प्ले कर रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं रवि दुबे और यहाँ पर माता सीता बनने वाली है साई पल्लवी और बाकी रणबीर कपूर और लारा दत्ता एंड शिवा चड्डा को छोड़कर बाकी की कास्टिंग कंफर्म है या फिर नहीं वो हमें 17 अप्रैल को शायद मालूम पड़ जाएगा। सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।